नमस्कार दोस्तों, मैं छू मन्नू पहाड़ी पिथौरगढ़ बटिया आप लोग के बीच में। मैं कुमाऊं कल्चर हर जगह की वीडियो लेके आता हूँ। तो आज है गणेश चतुर्थी का विसर्जन किया जाएगा। आज हमारे दिलों से वैसे दिल में तो रहेंगे गणपति बप्पा, तो उनका विसर्जन के लिए हम जा रहे हैं दिनेशपुर डैम। दिनेशपुर डैम में काफ़ी खतरनाक डैम है, वहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ से अभी तक पूजा पाठ हो गई पंडित जी का, आप यहाँ से रवाना होंगे अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गाड़ी आड़ी तैयार हो गए उस साइड देख रहे होंगे आप। गाड़ी आड़ी सारे तैयार हो गया, अब इसमें गणपति बप्पा को बैठाएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे आगे को। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग की पंडित जी यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं अभी यहाँ पे। दोस्तों देखिए गाड़ी तैयार हो चुकी है, देखिए सजा दी गई है गणेश जी के लिए, हमारे गणेश भगवान के लिए। ये देखिए यहाँ पे अभी जाने के लिए तैयारी चल रही है, समथिंग 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी है, ये देखिए अभी यहाँ पे पूजा पाठ की जाएगी। ये देख रहे होंगे धूप अगरबत्ती और आरती की जाएगी गणेश जी की, देख रहे होंगे आप। जय गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति होरिया, जय गणपति बप्पा। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी देखना जब हम गुड़रघोष डैम जाएंगे वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे काफ़ी जबरदस्त। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंजॉय करिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें गणपति बप्पा के लिए। दोस्तों आपकी मनोकामना पूरी होगी और हमारी भी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों देखिए बजाज के कर्मचारी जो भी सर लोग हैं ये आरती कर रहे हैं अभी यहाँ पे। दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मोती। यहाँ पे एक प्रतिमा कर लेंगे, आ जाइए। राम राम हरे, 3 बार कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो गाइस देखिए अभी यहाँ से निकलने की तैयारी होने लग गई है, फिर आप यहाँ से सब कुछ हो गया, फिर आप यहाँ से निकलेंगे दिनेशपुर के लिए रवाना होंगे यहाँ से। काफ़ी खतरनाक हुआ था, मौसम भी आज सही है, आगे बारिश की संभावना थी लेकिन अभी सही है थोड़ा सा। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं, देखिए उत्तराखंड पुलिस आगे है, सिटी पुलिस तो आगे, सबसे गाड़ी सबसे आगे इनकी गाड़ी है। तो हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं काफ़ी। ये देखिए अभी हम आगे को जाते हुए गणपति बप्पा आगे हैं देखिए, और हम पीछे से वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी लाइन लगी हुई है पीछे से, मैंने आप लोगों को दिखाया। काफ़ी उत्तराखंड पुलिस भी है इनके साथ, सब लोग जा रहे हैं गणपति बप्पा मौर्या को विसर्जन करने के लिए। ये देखिए काफ़ी पीछे तक लाइन लगी है, देख रहे होंगे आप। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक पुलिस, सिटी पुलिस, यहाँ पे CPU थोड़ा से लाइन में लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों को हटा रहे हैं। ये देखिए CPU सर है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, एक दोस्त मिला है मुझे, तो ये और मैं निकलेंगे यहाँ से।
दोस्तों देखिए अभी हम हाईवे वाली रोड में निकल चुके हैं। काफी जबरदस्त रोड है यहाँ पे। देखिए ये मेरा भाई दोस्त जो आज मिला हुआ है गणपति बप्पा के मंदिर में, तो वो तो सीधे बहुत तेज चल रहा है। तो अभी वो आगे है, मैं पीछे हूँ, तो मैं वीडियो बनाते बनाते जा रहा हूँ। देखिए ये हाईवे है दोस्तों, मेन हाईवे रुद्रपुर काशीपुर वाली रोड में मेन हाईवे, यहाँ पे देखेंगे रेलवे। तो अभी दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ का मौसम देखिए, हरियाली देखिए, काफ़ी अच्छी है। देख रहे होंगे दिनेशपुर मोड़ नहीं पहुँचे गाँव में। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं दिनेशपुर डैम। यहाँ से सुंदर सा नज़ारा देखिए, गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए आप ये सारे विसर्जन के लिए आए, गणेश चतुर्थी पे यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है। तो ये गाड़ियाँ देख रहे होंगे, अभी ये ऊपर आएंगे फिर यहाँ से विसर्जन करेंगे गणेश जी के लिए। जय गणपति बप्पा। और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी है दोस्तों। आप लोग आइए यहाँ, दिनेशपुर डैम गुलरबोज डैम है यहाँ का नाम। तो आप लोग आइए, काफ़ी इंजॉय करिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी है दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे गणेश जी के विसर्जन के लिए। और नज़र तो वैसा जहाँ तक जा रही है देख रहे होंगे आप। अरे देख रहे हैं, पहले हम भी छोटे बच्चे थे, हम भी तैरते थे। देखिए इनको बिल्कुल भी डर नहीं है, पूरा मतलब सब कुछ सीख रखा है इनने, नाना तैरना। यहाँ पे काफ़ी लोग आए भी हैं यहाँ पे गणपति जी का। तो अभी यहाँ पे गणपति बप्पा के तो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे कोई नहीं थे, कम लोग थे, अभी सारे लोग आ गए, दो तीन गाड़ियाँ आ गई। थोड़ा इस साइड को भी दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई साहब इस साइड से देखिए आप, इस साइड से सुंदर सा नज़ारा देखिए आप। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर से भी आ रही नहीं चुको, यहाँ पे फिर गणेश जी को विसर्जन करेंगे। थोड़ा सा मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आप पहली बार आया हूँ यहाँ पे गणेश चतुर्थी उपलक्ष्य पे यहाँ पे। तो अभी करने वाले हैं, ये बच्चे भी काफ़ी आ रखे हैं। ये पानी आने लेके, ये पानी कहाँ लेके जा रहे हो? पानी? हाँ अच्छा, फेंकने लेके जा रहे हो। ये देखो ये, हेलो गाइस, ये देखो ये, हेलो, ये काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। तो भाई साहब अभी मैं भी डुबकी मारता हूँ इसमें। ये देखो ये सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं वीर, देखो ये भाई साहब, ये देखो। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हाँ चलो, ये देखो काफी अच्छा लगा इनसे मिलने के बाद। यहीं कहाँ पे, कहाँ पे? गुलरभोज। हाँ कहाँ पे हो रहा है? उधर भी हो रहा होगा ना, चारों तरफ हो रहा है मतलब। और वहाँ पे देखो कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। अच्छा वहाँ पे बड़े मूर्तियाँ होंगे ना। आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका। जय हो जय हो जय हो मारियो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विसर्जन कर रहे हैं नीचे, काफी जबरदस्त, काफी लोग आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे विसर्जन कर रहे हैं जी। जय, तो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे से निकलते हैं। जय हो जय हो।
तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे हमने गणेश जी विसर्जन भी कर दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा वैसा। और देख रहे हो एक टीम और आई है, ये देख रहे होंगे काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं आज विसर्जन करने के लिए गुलरपुर डैम में। तो यहाँ पे देखे तो देखो गुले तो बहुत ही मज़ा आ रहा है वैसा। हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, वो लहराता ही रहेगा अगर हर पाकिस्तानी